पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी इदारों को पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। राहदारी जमानत मिलने के बावजूद भी पीटीआई लीडरशिप की गिरफ्तारी का खदशा है। मजीद बात होगी समाख्य नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ हैं। जी सज्जाद बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप जिसमें उमर अयूब, असद कैसर, जफ्ताज गुल और अली अमीन गर्दापुर जो है आए हुए थे, उनका यही कहना था कि उनकी जो है गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट जो है उनको रादारी जमानत दे। रादारी जमानत मंजूर होने के बाद उन्होंने जो है दूसरी दरख्वास्त जो है दायर की, जो कि जो हिफाजती जमानत की थी, वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाप्त की, जिसके ऊपर जो है उमर अयूब भी रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, उन्हें एक महीने की हिफाजती जमानत दी जाए। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको जो है वफाकी इदारों के हवाले से जमानत दे सकते हैं, लेकिन दीगर सूबों के हवाले से आपको उधर के कोर्ट में जाना होगा, वहां से जमानत लेनी पड़ेगी। जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम वफाकी एजेंसीज को जो है लीडरशिप जिसमें उमर अयूब, असद कैसर और अली अमीन शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी से रोकते हुए। बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में अपडेट किया।